दोस्तों, गुस्तव स्लेविन नाम के एक महान कवि ने कहा है कि जीवन लगातार होने वाली पढ़ाई है जिसमें सब कुछ सीखना पड़ता है। और ऐसे ही दो नए ऐसे क्वेश्चन आपको सिखाने आया हूँ मैं विकास टेकरे, और आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दो ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आईक्यू लेवल से संबंधित है, और जो क्वेश्चन छोटे से एग्ज़ाम से लेकर पीएससी और यूपीएससी तक के लेवल में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दो जुड़वा बच्चे मई में पैदा हुए लेकिन उनका जन्मदिन जून में आता है, ये कैसे संभव है, सोचिए आप। दोस्तों, इसीलिए क्योंकि वह जहाँ पैदा हुए उस स्थान का नाम मई है। मई नामक शहर में दो बच्चे पैदा हुए और महीना था जून, इसलिए उनका जन्मदिन है जून में। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन में। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो समुद्र में पैदा होती है लेकिन रहती है हमारे घर में? अब ऐसा क्या हो सकता है? टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव, बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है? दोस्तों, वो चीज़ है नमक, क्योंकि नमक समुद्र में पैदा होता है लेकिन रहता है हमारे घर में। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।